हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी क्लास का एक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर उसका रिवीजन कराऊंगा क्वेश्चन आंसर के बेस पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आज मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आपका टॉक्सिकोलॉजी थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपने फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। ये स्पेशल क्लास का बेनिफिट ये है कि ये पूरी लाइव होती हैं। जिसमें ये हुआ कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आप अपने कंफर्टेबल एरिया में बैठ के आप एकदम लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी में के थोड़े फीचर्स बताता हूँ। अनअकैडमी में जो है आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी नीट पीजी का प्रिपरेशन का इवेल्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। या अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आज रहता है। तो ऐसे में वो जब चाहें अपना खुद का शेड्यूल बना के यहाँ पे अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है। ऐसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ तो आप अगर इस क्लासेस में हैं, एजुकेटर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको बस क्लिक करना है, टच करना है आपको सही ऑप्शन, तो आपको उसका आंसर फिर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो चलो ये दोस्तों आप अपने घर पे बैठे बैठे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वो भी लाइव। तो ये इसका मतलब ये होता है इंटरेक्टिव पोल की सुविधा यहाँ पे है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। सर ये हुआ लर्न एनी टाइम एनी वेयर। दोस्तों आपको करना बस ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में लर्न अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। तो दोस्तों अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 1 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज़ करके लेते हैं तो आपको 10% के डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा 4,500 का। अगर आप 3 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको पड़ेगा 11,250 का। अगर आप 6 month का सब्सक्रिप्शन कोर्स लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको पड़ेगा 18,000 का। अगर आप 12 months का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों अगर मैं 24 months की बात करूँ तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद, मैं जो रेफरल कोड है वो LIVEDRAM, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और फिर आपको ये पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर मैं 12 months के चार्जेस में अगर मैं 4,500 और ऐड करूँ, यानी कि मैं 1 month का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दूँ, तो ये टोटल बन जाता है आपका 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 13 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको फुल जो है 24 month का आपको बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पे करना 13 month का, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरे 24 month के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर जनरली देखा जाए तो अभी अप्रैल ख़त्म हुआ है, मई मंथ शुरू हुआ है, करीबन 8 महीने बाकी नीट पीजी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ऐसे में आपको लगेगा कि 1 month, 1 साल का कोर्स काफ़ी रहेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा गौर से सोचें तो उसके अंदर अगर आप एक 1 month का और ऐड कर देते हैं तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। इससे आपको ये होगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर काउंसलिंग, ये रिजल्ट आता है, रिजल्ट में 1 महीना लग जाता है और फिर उसका काउंसलिंग स्टार्ट होते होते भी करीबन 1-2 महीना लग जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने पढ़ाई से टच में रह सकते हैं आगे, जब तक तब तक मे का एम्स का एग्ज़ाम की बारी आ जाती है, PGI की बारी आ जाती है, तो आप दोस्तों उन एग्ज़ाम से भी आप टच में रह सकते हैं। तो अगर आप 1 month का और पे कर देते हैं साथ में, तो दोस्तों 24 month का सब्सक्रिप्शन लेके देखिए एक बार, आपको 100% बेनिफिट आपको
मिलेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहला लेते हैं। इसके अंदर मैं मोस्टली मेटलिक पॉइजन में आज करवाऊंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास इन द ईयर। तो दोस्तों ये पास हुआ था 1985 में। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी कि एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट कब पास हुआ था दोस्तों? ये पास हुआ था 1985 में। तो दोस्तों और भी थोड़े एक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये हुआ था, पास हुआ था 1940 के अंदर। ड्रग का अमेंडमेंट हुआ था उसके एक्ट के अंदर टू इंक्लूड आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन, ये दोस्तों पास हुआ था 1964 के अंदर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, इसके दोस्तों करीबन 8 रूल कुछ आते हैं इसके अंदर, और ये इसके अंदर शेड्यूल्स आते हैं कुछ। एच एंड एल ड्रग आर टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी ओनली, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कुछ ऐड हुई थी। तो ये पास हुआ था दोस्तों 1945 के अंदर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो 1981 में नहीं हुआ था, 1985 में नहीं हुआ था, 1983 में नहीं हुआ था, 1986 में नहीं हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1985 में। तो एनडीपीएस एक्ट पास हुआ था 1985 के अंदर। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर नार्को एनालिसिस। तो दोस्तों नार्को एनालिसिस की बात चली है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। नार्को एनालिसिस होता है दोस्तों ट्रूथ सीरम ड्रग, यानी कि सच उगलवाने के लिए कौन से ड्रग दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर दिए जाते हैं सोडियम पेंथेटल, सोडियम अमाइटर, सोडियम स्केनॉल और स्कोपोलामाइड। तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो दोस्तों अगर हम मैं यहाँ पे देखूँ तो एट्रोपिन नहीं, फिनोबार्बिटोन नहीं, स्कोपोलामाइन हाँ होता है, और पिथिडीन नहीं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर वो है सी। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसा दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि द टेस्ट टू दिस टेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट थ्रूट न्यूट्रलाइज सब्जेक्ट इमेजिनेशन बाय मेकिंग हिम सेमी अनकॉन्शियसनेस एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू अनकॉन्शियसनेस। द सब्जेक्ट विल बी मेंटली इनकेपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग द फॉल्सलीहुड, यानी कि लाई को वो नहीं कर पाएगा टू कंसील हिज गिल्ट। ड्रग यूज आर निमोनिक एज सोडियम पास, तो सोडियम पास के निमोनिक से आप याद कर सकते हैं। तो एस से हो गया सोडियम, पी से पेंथेटल, ए से एमाइटल, एस से स्केनॉल और दूसरे एस से स्कोपोलामाइन। तो एस ए पी, तो सोडियम पास। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एनडीपीएस एक्ट पास हुआ था 1985 के अंदर। प्रोहिबिट्स एनी डीलिंग यानी कि कल्टीवेशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें के लिए जो है प्रोहिबिट रहेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? कोका लीव्स आते हैं, कैनबिस आता है, हेम्प, ओपियम, पॉपी एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक जैसे कि और नेचुरल सिंथेटिक एंड सॉल्ट ऑफ 77 लिस्टेड सब्सटेंस एग्जाम्पल एलएसडी, एम्फिटामिन, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजपिन, ट्रैंक्विलाइजर। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर आती हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आर्सिनोफेजिस्ट कौन होते हैं। तो आर्सिनोफेजिस्ट वो लोग होते हैं जो अपना जो टॉक्सिक डोज है वो थोड़ा सा बढ़ा चुके होते हैं रिपीटेड लेने के बाद। तो यानी कि 0.1 to 0.2 ग्राम जो है फेटल डोज होता है आर्सेनिक का। तो यहाँ पे बात चली है आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक की। बट सम पीपल टेक आर्सेनिक रेगुलरली एज एफ्रोडाइसिक और टोनिक कैन टॉलरेट अप टू 0.3 ग्राम डोज। तो यानी कि दोस्तों वो पर्सन जो फेटल डोज नॉर्मल पर्सन के लिए 0.1 से 0.2 ग्राम होता है उससे इंक्रीज करके 0.3 ग्राम तक उनका टॉलरेंस डोज हो जाता है, ऐसे पर्सन को आर्सिनोफेजिस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो फेटल पीरियड होता है इसका 2 से 3 आवर इन नार्कोटिक फॉर्म एंड 12 घंटे से लेके 2 दिन तक होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, तो क्रिमिनल यूजिंग आर्सिनोफेजिस फॉर होमोसेल पर्पज नहीं, पर्सन यूजिंग आर्सेनिक एज अबॉर्शन स्टिक नहीं, पर्सन हु कैन टॉलरेट हाई डोज ऑफ आर्सेनिक आफ्टर टेकिंग आर्सेनिक इन लो डोज एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो ये हो गया इसका सही आंसर, पर्सन यूजिंग इट एज अ कैटल पॉइजन नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो हो गया सी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल इज सीन इन विच पॉइजनिंग। तो दोस्तों हाइपर पिगमेंटेशन की बात चल रही है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आर्सेनिक। तो थोड़ा सा आर्सेनिक के बारे में बताया था, क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ आर्सेनिक। तो ये टॉपिक चल रहा है आर्सेनिक का। तो
204 स्टेजेस होती हैं, तो एक एक करके स्टेजेस को जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस, इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, ग्रेजुअल इमेसिकेशन इज अर्लीस्ट साइन, एनोरेक्सिया, नोजिया, इंटरमीडिएट वॉमिटिंग, डायरिया, एबडोमिनल क्रैम्प एंड सलाइवेशन। तो ये सारी स्टेजेस वन के अंदर आता है। सेकेंड स्टेज में आता है दोस्तों सेकेंड कैथेटरल स्टेज, फीचर ऑफ कॉमन कोल्ड, एग्जाम्पल इनफ्लेम म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टिवाइटिस, रनिंग ऑफ आईज एंड नोज, ब्रोंकियल कैथेटर, कफिंग एंड हॉसनेस। तो ये दोस्तों आती है सेकेंड स्टेज के अंदर। दोस्तों थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड स्टेज ऑफ स्किन रैश, तो थर्ड स्टेज जो होती है वो स्किन रैश की होती है। तो इसके लिए क्या आता है, स्किन इरिटेशन, वेस्कुलर इरप्शन, रिजेंबलिंग नेटल रैश, पैची ब्राउन रेनड्रॉप टाइप पिगमेंटेशन, हाइपरकेराटोसिस ऑफ पाम एंड सोल। तो दोस्तों इसी के बारे में पूछा गया था कि हाइपर पिगमेंटेशन किसके पाम एंड सोल का किसके ने देखा था, तो दोस्तों ये देखा जाता है आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर, मरकरी में नहीं देखा था, लेड के अंदर नहीं आता, कॉपर के अंदर नहीं देखा था। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तभी दोस्तों बाकी चीजें भी हमें जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, फॉलिंग ऑफ हेयर, ब्रिटलनेस ऑफ नेल्स, वाइट ट्रांसवर्स बैंड और एल्ड्रिच मीज लाइन। फोर्थ स्टेज के अंदर दोस्तों देखा था सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी, कॉजिंग टिंगलिंग, नमनेस एंड पैरेसिस, एनसेफेलोपैथी। तो ये सारी चीज इसके अंदर देखी जाती है दोस्तों। फिर बोन मैरो सप्रेशन एंड एनीमिया, इसके अंदर दोस्तों वेट लॉस, हिपेटोमिगैली, सिरोसिस, नेफ्राइटिस, तो ये सारी चीज इसके अंदर देखी जाती है दोस्तों। दोस्तों ट्रीटमेंट के तौर पे इसके अंदर BAL यानी कि ब्रिटिश एंटीलिवेसाइड दिया जाता है, जिसका दूसरा नाम है डाइमरकैप्रोल, तो ये इसका एंटीडोट होता है। तो दोस्तों आर्सेनिक पॉइजनिंग को याद करने के लिए एक निमोनिक है, तो निमोनिक है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक इसके लिए निमोनिक है। तो ए से दोस्तों होता है अबॉर्शन, या अबॉर्शन के लिए भी काम आ सकता है दोस्तों। ए से होता है आर्सिनोफेजिस, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन कराया था, आर्सिनोफेजिस्ट दोस्तों। ए से होता है एल्ड्रिच मीज लाइन, तो एल्ड्रिच मीज लाइन, ये दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये नेल्स, अगर मान लीजिए नेल्स हैं तो इसमें व्हाइट कलर के ट्रांसवर्स बैंड देखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह कर देता हूँ ताकि हमें जो है आसानी हो लिखने में। तो एल्ड्रिच मीज लाइन, तो फिर बाकी आर से देखते हैं दोस्तों, आर से होता है रैश, आर से होता है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, फिर दोस्तों आर से होता है रेड वेलवेटी म्यूकोसा, इसके लिए रेड वेलवेटी म्यूकोसा भी देखा था, रेड वेलवेटी म्यूकोसा। और दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके दो टेस्ट होते हैं, रिंज टेस्ट और मास टेस्ट। तो इसके लिए देखा जाता है दोस्तों रिंज टेस्ट एंड मास टेस्ट, एंड मास टेस्ट। तो आर से आप ये याद कर सकते हैं। और फिर दोस्तों एस, एस से दोस्तों होता है सब एंडोकार्डियल हेमरेज, सब एंडोकार्डियल हेमरेज। और दोस्तों आर्सेनिक के दो ट्राइऑक्साइड भी होते हैं जिनका नाम है संख्या और सोमालकर, संख्या एंड सोमालकर इसके आर्सेनिक के ट्राइऑक्साइड है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। दोस्तों बाकी के बारे में बात करते हैं, ये एक बार इसको रफ कर देता हूं। तो हमने एस तक देख लिया था, अब ई से देखते हैं। ई से होता है दोस्तों एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल, एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल। फिर दोस्तों एन से आता है न्यूराइटिस, न्यूराइटिस। फिर दोस्तों आई से आता है आयरन ऑक्साइड, जो है इसका नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट है दोस्तों,
आयरन ऑक्साइड इज नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट एंटीडोट। फिर दोस्तों सी से आता है, ये मिमिक करता है कॉलेरा की तरह, मिमिक कॉलेरा, कॉलेरा की तरह ये मिमिक करता है। सिंस दोस्तों आर्सेनिक की बात चल रही है तो इसके अंदर गोल्डन ब्राउन हेयर्स भी देख लेते हैं और इसके अंदर गार्लिक की स्मेल भी, ओडर भी इसके अंदर देखी जाती है। तो गार्लिक की स्मेल एंड गोल्डन ब्राउन हेयर इसके अंदर देखे जाते हैं। फिर दोस्तों इसके एंटीडोट, जैसे मैंने आपको बताया था इसका एंटीडोट जो होता है वो बाल इसका एंटीडोट होता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है प्लम्बिज्म, किसको कहते हैं प्लम्बिज्म? दोस्तों होता है लेड पॉइजनिंग के केस को, लेड को प्लम्बिज्म कहते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं, थैलियम पॉइजनिंग नहीं, कॉपर पॉइजनिंग नहीं, आर्सेनिक पॉइजनिंग नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं एनीमिया, पंक्टेट बेसोफिलिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लू लाइन, एब्डोमिनल कोलिक आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो दोस्तों ये आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर देखा जाता है, ओपियम पॉइजनिंग नहीं, आर्सेनिक नहीं, लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग नहीं और लेड पॉइजनिंग, माफ कीजिएगा दोस्तों, लेड पॉइजनिंग के अंदर ये देखा जाता है। तो थोड़ा सा दोस्तों लेड पॉइजनिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों फेशियल पहले देखा था, यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो फेशियल पैलर, इसमें दोस्तों एनीमिया विद पंक्टेट बेसोफिलिया, बेसोफिलिया स्ट्रिपलिंग बोलते हैं इसके अंदर। इसमें दोस्तों स्ट्रिपल ब्लू लाइन ऑल्सो नोन एज बर्टोनियन लाइन्स और लेड लाइन ये भी इसके अंदर देखी जाती है दोस्तों। कोलिकी एंड कॉन्स्टिपेशन ये भी देखा जाता है, जिसको दोस्तों ड्राई बेली एग के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर दोस्तों एनसेफलोपैथी इसके अंदर भी देखा जाता है। इसके अंदर दोस्तों ड्रॉप देखा जाता है, यानी कि फूड ड्रॉप, रिच ड्रॉप, तो ड्रॉप भी देखा जाता है। ट्रेमर्स वगैरह भी देखा जाता है। इसके अंदर एनसेफलोपैथी, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एनसेफलोपैथी भी देखा जाता है। मेंस्ट्रुअल डीअरेंजमेंट भी देखा जाता है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों इन सब कंडीशन को लेते हुए एक निमोनिक है, तो लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, तो लेड पॉइजनिंग के लिए दोस्तों जो निमोनिक है वो है ए बी सी डी ई एफ। तो ये दोस्तों इसका निमोनिक, तो ए से हो गया दोस्तों एनीमिया, एनीमिया और एमेनोरिया, एमेनोरिया। बी से दोस्तों क्या बर्टोनियन लाइंस और फिर बेसोफिलिया स्टिपलिंग, दो चीजें मैंने आपको बताई थी पिछले स्लाइड में। तो बर्टोनियन लाइन ऑन गम और दोस्तों एक और मैंने बताया था एंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग ये भी मैंने आपको बताया था। सी से दोस्तों मैंने बताया था जैसे कोलिकी एंड कॉन्स्टिपेशन, जिसको बोला था ड्राई बेली एक, तो कोलिकी, कोलिकी एंड कॉन्स्टिपेशन। डी से दोस्तों हो गया रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप, तो यानी कि रिस्ट ड्रॉप एंड फुट ड्रॉप। एक और दोस्तों मैंने बताया था इसके लिए ड्राई बेली एक, ड्राई बेली एक या फिर पेन, ड्राई बेली एक। ई से दोस्तों एनसेफलोपैथी, एनसेफलोपैथी एंड दोस्तों इसका मैं आगे बताऊंगा, इसका जो एंटीडोट है वो है ईडीटीए, ईडीटीए इसका एंटीडोट है, इस एंटीडोट। और एफ से दोस्तों होता है फेशियल पैलर, फेशियल पैलर। तो दोस्तों एक बार मैं अगर आपको दिखा दूं तो फेशियल पैलर ये हो गया एफ, ये हो गया बी, बर्टोनियन लाइन ये भी हो गया बी, सी से हो गया कोलिकी पेन, ये हो गया ई एनसेफलोपैथी और ये हो गया डी, ये हो गया ए एमेनोरिया और एक ए यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ एनीमिया ये शो करता है। तो दोस्तों ए बी सी डी ई एफ इसका हो गया निमोनिक। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा आप। फिर दोस्तों नेक्स्ट आते हैं इरिसिज्म किस कंडीशन में होता है। तो दोस्तों ये मर्करी पॉइजनिंग के अंदर होता है, तो मर्करी पॉइजनिंग के अंदर ये देखा जाता है। आर्सेनिक नहीं, पीवी नहीं, क्यूपर नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर।
दोस्तों इरिसिज्म होता क्या है, ये न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस कहलाता है। इसके अंदर दोस्तों पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस हो जाएगा करेक्टराइज बाई शाइनेस, इरिटेबिलिटी, ट्रिमर्स, लॉस ऑफ मेमोरी एंड इंसोमनिया। तो ये जो है इसके अंदर देखी जाती है मर्करी पॉइजनिंग के अंदर। दोस्तों हेटर शेक आर सीन इन पॉइजनिंग वेव, तो दोस्तों ये मर्करी पॉइजनिंग के अंदर देखा जाता है, लेड के अंदर नहीं, आर्सेनिक नहीं, कॉपर के नहीं, नहीं। तो ए हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मर्करी पॉइजनिंग की ट्रेमर्स की बात चल रही है तो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं मैं। तो ट्रेमर्स मॉडरेटली कोर्स इंटेंशनल ट्रेमर्स अफेक्टिंग हैंड्स फर्स्ट फॉलोड बाय लिप्स एंड टंग एंड फाइनली आर्म एंड लेग व्हिच इज इंटरस्पर्स बाय द जर्की मूवमेंट्स। इसी को दोस्तों डनबरी ट्रेमर्स भी बोला जाता है, हेटर शेक भी बोला जाता है या फिर ग्लास ब्लोअर शेक भी बोला जाता है। ग्लास ब्लोअर इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि ग्लास इंडस्ट्रीज और हेट इंडस्ट्री के अंदर ये यूज किया जाता है, इसे ग्लास ब्लोअर या फिर हेटर शेक इसको बोला जाता है। दोस्तों ये तो हो गए मॉडरेटली ट्रिमर्स की। अब जब सीवियर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट सीवियर फॉर्म व्हेन पेशेंट बिकम अनेबल टू ड्रेस राइट और वॉक, इसको बोला जाता है दोस्तों कंकेशियो मर्करेलिस, शेकिंग पैल्सी का नाम इसको दिया गया है। तो दोस्तों मर्करी पॉइजनिंग एक्ट ऑन, तो दोस्तों ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये पीसीटी के ऊपर एक्ट करता है, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। डीसीटी पे नहीं करता है, लूप ऑफ हेनली पे नहीं करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे ऊपर नहीं करता है। तो दोस्तों मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस या फिर पीसीटी, इसकी नेक्रोसिस ये दिखाता है मर्करी, एबॉर्शन में भी काम आता है। इसके अंदर दोस्तों मीना माटे डिजीज दिखाता है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये मीना माटे डिजीज की आप देख रहे हैं। तो ये दोस्तों मीना माटे डिजीज की एक इमेज, जापान में एक जगह का नाम था ये। दोस्तों क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये मिक्स्ड यानी कि सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी ये कॉज करता है और ये हाइपरकेटोसिस ऑफ स्किन भी ये करता है। तो दोस्तों ये देखा है तो पीजीआई टाइप ये क्वेश्चन था, तो ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों सी एंड ए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी इसके अंदर दोस्तों देखा जाता है और हाइपरकेटोसिस ऑफ पाम एंड सोल, तो ये भी देखा जाता है। ठीक है, तो इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग ग्रेटेस्ट अमाउंट फाउंड इन, तो दोस्तों ये लीवर और किडनी के अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो थोड़ा सा बताता हूँ, आर्सेनिक इज रैपिडली अब्सॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक एंड किडनी एंड स्किन एंड आफ्टर अब्सॉर्प्शन इट इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन द लीवर, द किडनी कंटेन प्रोपोर्शनेटली लेस एंड अदर ऑर्गन्स कंटेन ट्रेस अकॉर्डिंग टू देयर ब्लड कंटेंट। इन केस इफ लाइफ इज प्रोलॉन्ग इट मे बी फाउंड इन द मसल फॉर अ मैटर ऑफ डेज, इन बोन्स फॉर अ मैटर ऑफ वीक्स, मसल्स के अंदर मैटर ऑफ डेज में रहेगा, बोन्स के अंदर मैटर ऑफ वीक्स में रहेगा और कैटिन टिश्यू, हेयर, नेल एंड स्किन ये सब मल तक रहते हैं। तो दोस्तों लीवर और किडनी इसका करेक्ट आंसर हो गया, लीवर और किडनी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ए नहीं, डी नहीं, ई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल पॉइजनिंग मे कॉज कोलाइटिस दैट रिजेंबल डिप्थेरिया कोलाइटिस। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोलिकी पेन और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें भी जो है इसके अंदर रहती हैं, क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये इसका जो आंसर है वो है आर्सेनिक पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग। तो दोस्तों मर्करी पॉइजनिंग की हम बात करें तो मर्करी पॉइजनिंग के अंदर मेम्ब्रेनस कोलाइटिस डिप्थीरिया लाइक कंडीशन इसके अंदर दिखाई देती है। तो जैसे दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको और भी बताया था कि एक्सेसिव सलाइवेशन भी इसके अंदर रहेगा, पीसीटी नेक्रोसिस भी रहता है इसके अंदर दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका वो है मर्करी। तो जो कोलाइटिस, जो डिप्थीरिया कोलाइटिस की तरह जो शो करता है वो मर्करी की तरह शो करता है। तो ए लेड नहीं, बी आर्सेनिक नहीं, डी कॉपर नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एक्रोडाइनिया। तो दोस्तों एक्रोडाइनिया मर्करी पॉइजनिंग के अंदर दिखाई देता है। दोस्तों एक्रोडाइनिया को हम लोग पिंक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो यह है दोस्तों एक्रोडाइनिया। एक्रोडाइनिया क्या होता है दोस्तों, इसको हम 5P के नाम से हम याद कर सकते हैं, पिंकिश, या आप देख सकते हैं पिंक कलर की है ये। पफी पेनफुल पैरासिटिक हैंड फीट विथ पीलिंग ऑफ द स्किन एंड शेडिंग ऑफ द टीथ,
तो हम 5P से एक्रोडाइनिया को हम याद कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एनसेफलोपैथी, रिज ड्रॉप, कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, ब्लड पिक्चर शो बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसी, मोस्ट लाइकली कॉज इज। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो ए से यहाँ पे एनीमिया, एनीमिया, बी से दोस्तों हो गया बेसोफिलिक स्टिपलिंग, तो यहाँ पे दोस्तों बेसोफिलिक स्टिपलिंग, स्टिपलिंग, सी से दोस्तों हो गया कोलिकी, कोलिकी एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, डी से दोस्तों हो गया ड्रॉप, इसके लिए मैंने आपको रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप बताया था, ई से दोस्तों हो गया एनसेफलोपैथी, एनसेफलो, एनसेफलोपैथी, और एफ से बताया था मैंने फेशियल पैलर, फेशियल पैलर। तो दोस्तों ये बात चली लेड पॉइजनिंग की, लेड पॉइजनिंग, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ए बी सी डी ई एफ मैंने आपको निमोनी बता दिया था, तो एक बार फिर से बता दूं, ए बी सी डी ई एफ, तो ये दोस्तों लेड, लेड पॉइजन की बात यहां पे चल रही है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि बर्टोलियन लाइन किसके दिखाया जाता है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि ए बी सी डी ई एफ, तो बी से बर्टोनियन, बर्टोनियन लाइन, बर्टोनियन लाइन, तो दोस्तों लेड पॉइजनिंग की बात चलिए, बर्टोनियन लाइन लेड पॉइजनिंग के अंदर दिखता है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे ये एरो देख सकते हैं, ये जो एरो है यही है बर्टोनियन लाइन, बर्टोनियन लाइन, और दोस्तों ये हो गया ड्रॉप, ये हो गया दोस्तों ड्रॉप, तो ये हो गया फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, और ये हो गया दोस्तों रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप। दोस्तों डिलेड राइगर मोर्टिस, अब डिलेड राइगर मोर्टिस अकर विद विट पॉइजनिंग, तो दोस्तों ये जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर ये शो होता है, मर्करी में नहीं, लेड में नहीं, स्ट्रिक्नीन के अंदर नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा और देखेंगे कि किस किस के अंदर नहीं दिखाया था, फीटस 7 मंथ से अगर कम का है तो उसके अंदर नहीं दिखाया जाएगा, सेप्टिक सीमा कंडीशन के अंदर भी देखा नहीं जाएगा। किसके अंदर दोस्तों जल्दी आएगा और जल्दी चला जाएगा राइगर मोर्टिस, तो राइगर मोर्टिस जल्दी आता है टीबी, कैंसर, टाइफॉइड, कॉलेरा, इन सब में जल्दी आता है, स्ट्रिकिंग पॉइजनिंग के अंदर भी जल्दी आता है, और कट थ्रोट, फायरआर्म, इन सब के अंदर भी जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है। दोस्तों लास्ट लॉन्ग एंड डिलेड अपीयरेंस, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग एज ए डिलेड पेट्रिफिकेशन, इसलिए जो है ये डिलेड राइगर मोर्टिस शो करता है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि राइगर मोर्टिस क्या होता है, एटीपी की डिप्लेशन, की डिप्लेशन की वजह से जो है स्टिफनेस हो जाती है। अगर मान लीजिए ये टेबल है, तो किसी डेड बॉडी को अगर राइगर मोर्टिस आया है तो उसकी पूरी बॉडी ऐसे स्टिफ टेबल पर रहेगी, ये ऐसे नहीं रहेगी दोस्तों, ये ऐसे नहीं रहेगी, ये होता है राइगर मोर्टिस। तो दोस्तों शॉर्ट में था, अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है इसके बारे में तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है थर्मेटोलॉजी के अंदर। दोस्तों बात चली रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रिक, अपीयरेंस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा सीन विद, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर मैंने बताया था, तो दोस्तों मैंने आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर मैंने बताया था रेड वेलवेटी म्यूकोसा, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रैश, और फिर टेस्ट बताया था मैंने रिंस टेस्ट और मास टेस्ट। तो दोस्तों ये हो गया आर्सेनिक पॉइजनिंग का आंसर, तो ए नहीं, बी नहीं, सी इसका करेक्ट आंसर, डी नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों और भी हम म्यूकोसा की बात कर लेते हैं कि किस किस म्यूकोसा के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, तो
आर्सेनिक के अंदर रेड वेलवेट ही म्यूकोसा, H2SO4 के अंदर दोस्तों ब्लैक ब्राउन या फिर ब्लैक विद इरोशन परफोरेशन एंड कार्बोलाइजेशन, कार्बोलिक एसिड के अंदर दोस्तों ग्रीनिश वाइट और ब्राउन, वाइट और ग्रे लेदरी और थिक म्यूकोसा, नाइट्रिक एसिड के अंदर दोस्तों येल्लो, HCl के अंदर पिंक, अमोनिया के अंदर परफोरेटेड रहेगी, HCN के अंदर पिंक, KCN के अंदर ब्राइट ब्रिक रेड टू ब्राउन, KOH के लिए डीपली कंजेस्टेड या फिर ब्लैक, फॉस्फोरस के अंदर येल्लो या फिर ग्रे वाइट म्यूकोसा देखी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लेड पॉइजनिंग की, तो ये लेड पॉइजनिंग की बात चलिए। इन नॉन एक्सपोज पर्सन द लेवल ऑफ कॉर्प्रोपोरफायरिन इन यूरिन इज, तो दोस्तों ये नॉन एक्सपोज पर्सन की बात चली, तो नॉन एक्सपोज पर्सन के अंदर लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर इसका आंसर होगा, तो लेस देन 1000 नहीं, मोर देन 500 नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो यूरिन टेस्ट की अगर बात करें, यूरिन टेस्ट इन लेड पॉइजन, यूरिन टेस्ट इन लेड पॉइजन, तो दोस्तों इंक्रीज कॉर्प्रोपोरफायरिन इसे होता है, इन नॉन एक्सपोज पर्सन इट इज लेस देन 150 माइक्रोग्राम पर लीटर इसका करेक्ट आंसर होता है, अमीनो लेवोलिनिक एसिड मोर देन 5 माइक्रोग्राम, प्रेजेंस ऑफ 0.25 mg लेड पर लीटर इज डायग्नोसिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग एक्सेप्ट, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट की बात चल रही है कि क्या चीज नहीं देखी आती है, तो दोस्तों लेड पॉइजनिंग की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ, तो ए से मैंने बताया था एनीमिया, एनीमिया और एमेनुरिया, एमेनुरिया, बी से दोस्तों मैंने बताया था बर्टोनिलाइन, बर्टोनिलाइन एंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग, सी से दोस्तों बताया था कोलिकी एंड कॉन्स्टिपेशन, कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, डी से हो गया दोस्तों ड्रॉप, ई से दोस्तों हो गया एनसेफलोपैथी, एफ से हो गया दोस्तों फेशियल पैलर, तो एनसेफलोपैथी ई, ये हो गया बी, सी हो गया सी, तो क्यूटेनियस ब्लिस्टर दोस्तों नहीं होता है, तो सी हो गया करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मिडिल एज मैन प्रेजेंट विद पैरेसिशिया ऑफ हैंड एंड फेट, एग्जामिनेशन रिवील प्रेजेंस ऑफ मीज लाइन इन नेल्स एंड रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन इन द हैंड, द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव टॉक्सिक फॉर द अबव मेंशन सिम्टम इज, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था आर्सेनिक, तो ए से हो गया जो है एनीमिया, आर्सिनोफेजिस्ट, आर्सिनोफेजिस्ट, आर से दोस्तों रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रैश, रेड वेलवेट म्यूकोसा, तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ए से दोस्तों मैंने बताया था एलरिच मीजलाइन, एलरिच मीजलाइन, एन से मैंने बताया था न्यूरोपैथी, न्यूराइटिस, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पैरेसिशिया ऑफ हैंड एंड फीट, एलरिच मीजलाइन, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, तो दोस्तों ये सारी फीचर्स ये शो करता है आर्सेनिक पॉइजनिंग का, तो लेड नहीं, थेलियम नहीं, मर्करी नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हो गया रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, और दोस्तों ये हो गया एलब्रिज मीज लाइन। इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग द फॉलोइंग सैंपल कैन बी सेंट फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट की बात चलिए, तो आर्सेनिक इज रैपिडली क्लियर फ्रॉम द ब्लड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू, वेयर इट इज डिटेक्टेबल फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, ब्लड सैंपल इज दस ऑफ यूज ओनली इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग बट नॉट इन क्रोनिक पॉइजनिंग, तो दोस्तों क्रोनिक पॉइजनिंग के केस में ब्लड सैंपल नहीं होता, क्योंकि रैपिडली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेरियस ऑर्गन पे,
तो इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग इज फाउंड इन हेयर नेल एंड बोन स्किन एंड इट्स डिटेक्शन इज पॉसिबल व्हेन एनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज अवेलेबल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सिंस यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा जा रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेल जो है में शो करता है तो नहीं, तो एक्सेप्ट में पूछा गया तो नहीं, हेयर्स नहीं, बोन नहीं, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आर्सेनिक पॉइजनिंग प्रेजेंट विद सिम्टम मिमिकिंग, तो दोस्तों जैसे आर्सेनिक का फिर से एक बार निमोनिया लेता हूं, आर्सेनिक, तो दोस्तों सी जो होता है वो होता है मिमिक कॉलेरा, कॉलेरा, तो दोस्तों कॉलेरा की तरह मिमिक करता है। धतुरा पॉइजनिंग नहीं, बार्बिशर पॉइजनिंग नहीं, मॉर्फिन पॉइजनिंग नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएटिंग फीचर, सिंस ये मिमिक करता है कॉलेरा की तरह, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग प्रेजेंट विद सिम्टम्स मिमिकिंग कॉलेरा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर आप जो है टीवीएस के आप उससे याद कर सकते हैं, टीवीएस ये एक स्कूटी आती है दोस्तों, टीवीएस, तो आप उससे ये याद कर सकते हैं, पेन इन थ्रोट, फिर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कैसे रहेगा, कंटेन बाइल म्यूकस ब्लड और स्टूल, स्टूल कैसे रहेगा, राइस बॉटली इनिशियली फॉलोड बाय ब्लडी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप याद कर सकते हैं डी वी टी से, डी वेन थ्रोम्बोसिस आप उस निमोनिक से याद कर सकते हैं, तो डायरिया, वॉमिटिंग और फिर पेन इन थ्रोट। दोस्तों वॉइस इसके अंदर इफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन कॉलेरा के अंदर इफेक्ट हो जाती है। टेनेस्मस एंड एनल इरिटेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगी लेकिन यहाँ पे एबसेंट होगी दोस्तों। कंजक्टाइवा यहाँ पे इन्फ्लेम्ड रहेगी लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेम नहीं रहेगी। दोस्तों लैब टेस्ट की अगर हम बात करें तो आर्सेनिक इज डिटेक्टेबल डिटेक्टेड बाय मास टेस्ट एंड रिंस टेस्ट। तो जैसे मैंने आपको आर्सेनिक का जो मैंने निमोनिया दिया था ARSENIC, तो आर से मैंने आपको रिंस टेस्ट और मास टेस्ट भी मैंने बताया था। फिर यूरिनरी कॉर्पोपाइफेरिन टेस्ट पॉजिटिव, बर्निंग लाइक रेडियो ओपेक शेडो ऑन एब्डोमेन, एक्सरे इन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड पॉइजनिंग, तो ये सारी चीजें दिखाई देती है। लेकिन कॉलेरा के अंदर दोस्तों विब्रो कॉलेरा डिटेक्टेड ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सिंस वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से वो डिटेक्ट होगी, वो इन सब टेस्ट से डिटेक्ट नहीं होती है। तो दोस्तों एक बारी मैं आपको इसके बारे में एक बार बता देता हूँ मैं, कि जो है मर्करी पॉइजनिंग का एक निमोनिक था दोस्तों, मर्करी पॉइजनिंग का निमोनिक मैं आपको देता हूँ। मर्करी पॉइजनिंग के लिए दोस्तों आप याद कर सकते थ्री मीट्स, ये आपको कैसे लिखना है दोस्तों, MMM EATS, तो M से दोस्तों के मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस या फिर मीना माटा डिजीज। फिर दोस्तों M से एक होता है दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको बताया था मर्क्यूरियल लेंटिस। फिर दोस्तों M से होता है मेम्ब्रेनस कोलाइटिस और फिर ई से दोस्तों रिथिज्म, ठीक है, ई से दोस्तों ये देखा जाता है रिथिज्म, ए से दोस्तों हो गया एक्रोडाइनिया, टी से हो गया ट्रेमर्स। ट्रेमर्स भी दोस्तों मैंने आपको दो बताया था कि मॉडरेट कंडीशन के अंदर हेटर शेक, ग्लास ब्लोअर शेक, डेनबरी ट्रिमर्स, वो सारी चीजें इसका नाम लिया गया है। और एस से दोस्तों होता है एक्सेसिव सलाइवेशन। तो दोस्तों एक बारी मैं आपको ये रिकॉल करूं, तो ये हो गया ए, ठीक है, एक्सेसिव सलाइवेशन, ये हो गया एस, ये हो गया एम, ठीक है, पीसीटी नेक्रोसिस के ऊपर एक्ट करता है, मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहां से भी आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों एक मैंने आपको पहले बताया था ये मीनामाटा डिजीज एम, और ये हो गया एम। तो दोस्तों एक बारी मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूं, थ्री मीट्स मैंने बताया था,
तो MMM, तो एक एम से हो गया मेम्ब्रेनोग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, एम से हो गया मीना मार्टर डिजीज, और एक एम से होता है दोस्तों मर्कुरियल एंटर्स, एक एम से होता है दोस्तों मर्क्यूरिया लेंटिस। एक किसके हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं, ट्रिमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो डनबरी ट्रिमर्स, हेटर शेक, ग्लासगो शेक और कंकेशियो मर्कुरियलिस, ये जब सीवियर कंडीशन आती है तब, तो थ्री एस। तो जो ट्रेमर्स की बात चली दोस्तों, ट्रेमर्स, तो ट्रेमर्स में दोस्तों ये सारी चीजें आई। एक ये दोस्तों इमेज भी बताया था, ये हो गया बर्टोनियल लाइन, ये दोस्तों मैंने आपको बताया था लेड पॉइजनिंग के अंदर, लेड पॉइजनिंग के अंदर बताया था, ये भी मैंने लेड पॉइजनिंग के अंदर मैंने आपको बताया था। ये हो गया दोस्तों रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन और एलरिच मीज लाइन, तो ये मैंने बताया था दोस्तों आर्सेनिक के अंदर, आर्सेनिक के अंदर ये मैंने आपको बताया था। फिर दोस्तों लास्ट में मैंने बताया था कि मिमिक की तरह कि ये कॉलेरा की तरह मिमिक करता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की ये रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। एंड करने से पहले डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड, तो दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के नहीं आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनानी पड़ेगी। दोस्तों मई मंथ का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तों ऐसे में अगर आपने तैयारी स्टार्ट करी तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो दोस्तों अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बीता जा रहा है। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे, रिविजन करना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी आपके पास। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की अपनी ये रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। ऑफ करने से पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि हमारा जो लेट्स लर्न ईपी चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। सिंस दोस्तों ये रिकॉर्डेड सेशन है तो इसके अंदर मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप जो है ऐप के अंदर पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो आप वहाँ पे मेरे से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। दोस्तों भूलेगा नहीं, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा जो कोड है वो है LIVEDRM, ये यूज़ करना मत भूलिएगा सब्सक्रिप्शन के टाइम पे। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों जनरली 24 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, फिर आपको ये पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का सिर्फ। दोस्तों ऐसे ही 12 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 22,500, और दोस्तों 1 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है 4,500। तो दोस्तों अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 13 मंथ के पेमेंट के सब्सक्रिप्शन का लेने सब्सक्रिप्शन लेने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों वो पूरे पूरे 2 साल के लिए मिलेंगे। दोस्तों हम ये इस चीज़ के लिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों जनरली किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अभी जैसे अगर नीट पीजी की बात करें तो 8 महीने बचे हैं दोस्तों उसके लिए, तो जिस हिसाब से दोस्तों ये चल रहा है कोरोना वायरस का, COVID-19 का वायरस फैल रहा है, जिस हिसाब से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, तो दोस्तों अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो 8 महीने अभी तब भी हमारे पास बचे हैं, जनवरी में एग्जाम होता है, तो 8 महीने के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है, उसमें भी 3-4 महीने निकल जाते हैं। तो दोस्तों 3-4 महीने निकलने के बाद तब तक जो है मई का मंथ आ जाता है, और उसके बाद जो है आपका मई एम्स का PGI का एग्जाम चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म हो रही है, आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, आप पढ़ाई के टच में रहो दोस्तों, इसलिए ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन पैक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप जो है पढ़ाई के टच में भी रहोगे, नीट पीजी एग्जाम खत्म होने के बाद भी आप अपनी पढ़ाई के टच में रेगुलर बने रहेंगे। तो इससे क्या रहेगा दोस्तों,
आपका जो सिर्फ 1 मंथ के एक्स्ट्रा चार्ज देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस आप पढ़ाई के भी टच में रह पाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस साथ आज मैं रिकॉर्डिंग अपनी एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ आऊंगा, उसके अंदर मैं और भी टॉपिक के ऊपर मैं रिविजन करवा दूंगा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। तब तक लिए दोस्तों थैंक यू।